के न्यूज, खबरों की नई पहचान। कोयलांचल धनबाद में केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए श्रम कानून के खिलाफ आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार से श्रम कानून में संशोधन की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कानून अच्छा है, बहुत ही पहलू काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिससे श्रमिकों का अहित होगा वह हमें अमान्य है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित को देखते हुए बीएमएस आज पूरे देश भर में हड़ताल पर डटी हुई है और केंद्र सरकार से कानून में संशोधन की मांग करती है। कानून में जो अच्छे पहलू हैं उनका स्वागत है, लेकिन कानून में कुछ गलत पहलू भी है। यहाँ फंसे मजदूरों का अहित होगा, जिसमें संशोधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कानून में संशोधन नहीं करती है, भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध करती रहेगी। कहा गया किस चीज़ के लिए आप आज विरोध प्रदर्शन? देखिए, भारत सरकार का अभी वर्तमान में जो श्रम नीति बन रहा है, जो कानून श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो काफ़ी बेकार किस्म का है, जिसके कारण हमारे यहाँ श्रमिकों की छटनी, उसके साथ साथ उद्योग का बंद होना तय है। क्योंकि देखिए, ऐसा एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि कोड 2020 में जो आया है, तो उसमें ऐसा है कि किसी श्रमिक पहले उद्योग में 100 संख्या होने के बाद उस कानून के तहत वो इंडस्ट्री आता था, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 300 किया। 300 करने का परिणाम हुआ कि वो सभी उद्योग वाले उसको क्या करेंगे, तो वो 299 कर देंगे। 299 करके उनकी मनमानी चलेगी, हमारे बीच जितने जो हैं हमारे श्रमिक हैं उनकी छटनी होगी, उनका तनख्वाह जो भी आया मालिक देगा। इस तरीका से एक ही नहीं, रिलेशनशिप जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, वो भी गड़बड़ है। कानून इतना जिसके वजह से हम लोग भारतीय मजदूर पूरे देश में, भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर आज 28 तारीख को एक जो है ट्रायल किया है। भाई देखिए, मैं आपको चेतावनी देता, चेतावनी शुरू खत्म हुआ, उसके बाद आंदोलनात्मक कार्यक्रम के साथ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन कोविड-19 के चलते हम लोग उतना विस्तार से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीसी का आदेश है कि आपको विस्तार से नहीं करना है, हल्का एक कार्यक्रम करना है, लेकिन ज्ञापन देना है। हम लोग जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे, और इस श्रमिक कानून को सुधार करने के लिए। और कुछ ऐसे भी कानून हैं जो बहुत अच्छा है, जिनको हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो कानून जो श्रमिक विरोधी है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध तब तक होगा जब तक इसमें सुधार नहीं। पर्चे बता दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद्र मिश्र है।